हाय फ्रेंड्स, दिस इज वर। मैं ये आज जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो मेरे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आएगा। अब अकाउंट्स के स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती है जो उनको क्या करना पड़ता है, एग्जाम तलक या फिर अपने लाइफ में आगे तलक अगर अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में हो तो तुमको उसको याद रखनी पड़ती है। तो आज मैं एक ही टॉपिक को टच करने वाला हूँ। मतलब क्या कि जैसे आज मैं परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नाम है, मतलब परचेस रिटर्न का नाम है क्या रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न का क्या है रिटर्न इनवर्ड, इस चीज को मैं किस तरीके से बच्चों को इजी वे में समझाऊं तो उनको एग्जाम तलक और उनके आगे तलक याद रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बराबर। तो अब ध्यान से देखो, मैं जरा बोर्ड पे कुछ लिखने जा रहा हूं। फ्रेंड्स इधर देखो, क्या है कि परचेस, परचेस जब हम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, परचेस जब हम करते हैं तो गुड्स क्या होता है हमारा इन आता है, क्या होता है गुड्स हमारा इन आता है। बराबर। तो गुड्स हमारा यहाँ पे क्या हुआ, इन आया। ठीक है। अब जब हम लोगों ने क्या किया, परचेस जो किया था गुड्स को, अब मानो हमको वो गुड्स पसंद नहीं आया, कोई क्वालिटी का इशू होगा या फिर उसमें कोई डिफेक्ट रहेगा, क्या रहेगा उसमें डिफेक्ट रहेगा, तो हम क्या करेंगे उसको रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे हम लोग उसको रिटर्न करेंगे, हम लोग हमारा नुकसान तो नहीं करेंगे ना बच्चे लोग। बराबर। तो उसको रख के हम लोग उसको नुकसान नहीं करेंगे, जिससे लिया उसको वापिस लौटा देंगे। तो जरा ध्यान दो यहाँ पे, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं कौन से वाले गुड्स को, जिसको हमने क्या किया था, परचेस किया था, क्या किया था हमने उसको परचेस किया था, वो गुड्स को अब हम रिटर्न करने जा रहे हैं। तो वो गुड्स हमारा क्या हो रहा है, आउट जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, आउट जा रहा है। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले तुमको समझाया था, जब हम लोग परचेस करते हैं तो हमारा गुड्स क्या होता है, इन आता है, क्या होता है, इन आता है, और जो गुड्स अगर हम लोगों को पसंद नहीं आता है हम उसको वापिस से लौटा देंगे, तो जो हमारे पास में अंदर आई हुई चीज है वो वापिस से वही रास्ते से बाहर चले जाती है, बाहर चले जाती है मतलब कहाँ चले जाती है, वो आउट चले जाती है। तो आउट को मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकता हूं, आउट वर्ड। अब मेरे को आउट वर्ड के आगे क्या लगाना है, रिटर्न, क्या लगाऊंगा मैं आउट वर्ड के आगे, रिटर्न लगाऊंगा। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकता हूं ना आपको कि परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउट वर्ड। ठीक है। अब दूसरा मैं और एक चीज समझाने जा रहा हूं तुम लोगों को, सेल्स रिटर्न का नाम होता है क्या, रिटर्न इनवर्ड, क्या होता है सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम, रिटर्न इनवर्ड। जरा फटाक से यहां पे देखिए, आपको दो मिनट में समझ जाएगा। क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, व्हेन वी सेल गुड्स आवर गुड्स गोस आउट, तब हमारा गुड्स क्या होता है, हमारे प्लेस से बाहर चले जाता है, क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। जैसे हमको गुड्स पसंद नहीं आई थी, हो सकता है हमारे कस्टमर को भी पसंद नहीं आएगी, तो वो हमको वो गुड्स को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा, तो जो हमारी चीज बाहर गई थी वो अब क्या हो रही है, वापिस से हमारे पास में अंदर आ रही है, अंदर से हमारा आता है इन, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, अंदर को इन बोलेंगे। तो जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, सेल्स रिटर्न, बराबर, सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है, हमारा गुड्स वापिस से इन आ रहा है, क्या हो रहा है, इन आ रहा है, इन मतलब जो मैंने चीज बाहर बेची थी और वो चीज मेरे पास में वापिस से आ रही है। तो इनको मैं ऐसे बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, इनसे मेरा क्या बन जाएगा, इन वर्ड, क्या बनेगा ये मेरा, इन वर्ड, और इन वर्ड के आगे मैं क्या लगा दूंगा, रिटर्न, क्या लगाऊंगा मैं, रिटर्न इन वर्ड। तो
तो इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकता हूं ना क्या कि सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, अब ध्यान दो, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है हमारा रिटर्न आउटवर्ड, वैसे ही सेल्स रिटर्न का हमारा दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। एक बार शॉर्ट में मैं वापस से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम परचेस करते हैं, क्या करते हैं, परचेस करते हैं किसको, गुड्स को, तो तब क्या होता है, वो गुड्स हमारा इन आता है, इन मतलब हमारे पास आता है, बराबर। और जब हमने वो परचेस की हुई चीज को वापिस से लौटा देते हैं तो आउट होता है, तो आउट से हमारा बना आउटवर्ड, आउटवर्ड के आगे हमने लगा दिया रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या बन गया हमारा, रिटर्न आउटवर्ड। समझा तुमको? अब ध्यान दो, सेल्स, सेल्स जब करते हैं तो गुड्स क्या होता है हमारा, आउट जाता है, आउट जाता है मतलब बाहर जाता है, बराबर। जैसे हमने परचेस रिटर्न किया था वैसे हमारा गुड्स भी क्या हो सकता है, सेल्स रिटर्न मतलब हमारे पास में वापिस आ सकता है, वापिस आ सकता है। तो इंग्लिश में वापिस आने को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब एक ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इन। वापिस से गुड्स क्या हो रही है, जो आउट चली गई थी वो इन हो जाएगी, तो इन, इन मतलब इनवर्ड, इनवर्ड के आगे हमने क्या लगा दिया, रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड बन गया, तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या बन गया हमारा, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो इसी के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमको जो मेरे को समझाना था, जो चीज तुम लोगों को याद नहीं रहती थी, या फिर रट्टा मारना पड़ता था, या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलना पड़ता था एग्जाम के टाइम पे, जैसे हम लोग सब लोग भी यही करते थे कि रिटर्न इनवर्ड क्या आएगा, रिटर्न आउटवर्ड क्या आएगा, चलो आज तुक्का मार देते, ये कर देते, वो कर देते, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम इसको भूलोगे, जरा लॉजिकली सोचो, बराबर। तो फ्रेंड्स, जस्ट लाइक माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय।